हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद जस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अंतिम वीडियो आ चुका है अंतिम प्रहार का, और लास्ट ट्वेल्थ ऑफ द ट्वेल्थ अपन पहुंचने वाले हैं। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है जल्द से जल्द सारे वीडियो अपलोड करने पर। हर एक वीडियो पे आप ऑन एन एवरेज अगर 10 मिनट भी माने तो अपन ने बहुत सारे 12-2 घंटे से ज़्यादा का सिलेबस अलग 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 डिफरेंट टॉपिक्स का कंप्लीट किया है। सेम एनर्जी मैंने मेंटेन करने की कोशिश करी है। आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। अब कल के एग्ज़ाम से पहले जो भय था आपका, जो डर था, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आश्वासन दिया था, ख़त्म हो गया होगा और हो भी जाना चाहिए। सारे आपने वीडियो देख लिए होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी होगी और वास्तविकता में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत सी अच्छी सी दुआ है कि कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आप सभी इसी प्रसन्न चेहरे के साथ कल हमें कमेंट करके बताएं कि सर पेपर अच्छा गया। अब 12th लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसके पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये दो चीजें देखो, एक है फॉरेन एक्सचेंज और एक है फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड होता है इसको सभी को पता है, जो माल विदेशों के साथ जो व्यापार किया जाता है, जब टू कंट्रीज बिजनेसेस टूगेदर और ट्रेड टूगेदर, दैट्स कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज से, व्हेन द टू कंट्रीज एक्सचेंज देयर करेंसी इन द स्पेसिफिक वैल्यूज, दैट कॉल द फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। मीन्स के आप दोनों इनको सबसेट बोल सकते हो, दोनों एक साथ चलने वाले हो सकते हो और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज में अंदर बाइंग और सेलिंग होती है फॉरेन करेंसीज की, ठीक है। 24 आवर्स खुला रहता है, 5 डेज अ वीक खुला रहता है। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल सब कुछ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर गवर्नमेंट और बिजनेस बॉडीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज प्रोवाइडेड होती है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन ट्रेड आर क्लोजली लिंक्ड होते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ बिजनेस टू एक्सचेंज करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है जिससे फॉरेन ट्रेड को हेल्प होती है, किसमें, करेंसी एक्सचेंज करने में। अब मेरे को यहाँ से इंडिया से कोई यूएसए माल भेजना है या यूएसए से मंगवाना है तो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज तो करना होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यही चीज़ें तो प्रोवाइड करा रहा है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पर हम करेंसी एक्सचेंज का काम कर सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर ऑल्सो प्रोवाइड वेज टू बिजनेस हैज भी प्रोवाइड करता है और करेंसी रिस्क को मिटिगेट करने का भी काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अगर बात करी जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दोनों ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये आप PPT इसके जस्ट बाद 5-7 मिनट के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, मस्त रहिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। डिटेल इसके अंदर दी हुई है, एक शॉर्ट नोट, शॉर्ट समरी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड की भी तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेल क्वेश्चंस में क्यों नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को इसमें लग रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कल के लिए, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, है ना, फर्स्ट के अंदर ही आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में ही आता है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।